नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य BNS गुड फार्म से। दोस्तों, बकरी के पेट के कीड़े मारने की सबसे अच्छी दवा यानी कि बेस्ट डिवार्मर यानी सबसे अच्छा डिवार्मर कौन सा है, कौन सी दवा है, देखिए इस चीज को कह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब किसी न किसी को तो नंबर देना ही पड़ेगा कि सबसे बेस्ट कौन है। अब नंबर ऐसे भी नहीं दे सकते हैं, उसको जांचना पड़ेगा, उसको परखना पड़ेगा, तभी जो है कि आप नंबर दे सकते हैं या कह सकते हैं कि नहीं भैया यही सबसे बेस्ट डिवार्मर है, ये सबसे अच्छी पेट के कीड़े मारने की दवा है। देखिए, जैसे कि नॉर्मली हर जगह मार्केट में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आसानी से मिल जाती हैं, जैसे कि अल्बोमार हो गया, क्यूराजान फोर्ट हो गया, नीलजान हो गया, और भी बहुत सारे डिवार्मर्स टेबलेट फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में आते हैं जो कि अच्छे हैं और बकरे बकरियों के ऊपर अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनका ग्रोथ भी होता है। लेकिन जैसे कि बकरी के पेट में वार्म कीड़े यानी बन जाते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा, ध्यान दिया, जो बकरी पालक हैं वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और जो बकरी पालन शुरू कर रहे हैं उनको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा। जैसे कि बकरी मेगनी करती है, इधर दिखाई, जैसे कि मेगनी है, ये देखिए, ये बकरी का मेगनी है। अब क्या होता है कि आप ध्यान से देखिए और समझिएगा कि बकरी की मेगनी के ऊपर, जैसे हमारे घर में चावल का टुकड़ा होता है, चावल का टुकड़ा होता है सफ़ेद छोटा टुकड़ा यानी चावल टूट जाता है, तो मेगनी के ऊपर या अंदर या ऐसा कुछ लगा रहता है, वो हल्का फुल्का वार्म है, पेट में कीड़े हैं, तो वहाँ पर आप अल्बोमार दे सकते हैं, नीलजान दे सकते हैं, क्यूराजान फोर्ट दे सकते हैं, सेफ गार्ड दे सकते हैं, और भी बहुत सारी दवाइयाँ आप उसे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एक चीज़ और ध्यान दिया होगा कि जैसे कि बकरी की मेगनियाँ हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा कोशिश करूँगा समझाने का। ये देखिए, इस तरीका से जब बकरी मेगनी करती है तो इस तरीका से जो है कि देखिए, इस तरीका से लर बन के आते हैं यानी कि लाइन बन के आता है, लाशा जैसा लगा रहता है, और वो जमीन पर जब भी गिरता है तो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, अलग नहीं होता, टूटता नहीं है, और उसमें चिपचिपा जैसा पदार्थ लगा रहता है, चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है इस तरीके से। तो वहाँ पर भी आप सेफ गार्ड दे सकते हैं, अल्बोमार, क्यूराजान फोर्ट, नीलजान और भी है, आप दे सकते हैं। लेकिन एक तो होता है उनके पेट से बड़े बड़े लंबे लंबे कीड़े निकलना, तो अब हर दवा का अलग अलग काम है और सारी दवाएं जो है कि अच्छी हैं लेकिन सबका अलग अलग काम है। जैसे कि ये देखिए, ये है मेरे हाथ में अल्बोमार। अब ये अल्बोमार है, अब ये खाली बकरी को दिया जाता है, गाभिन बकरियों को नहीं दिया जाता, खाली बकरी को दिया जाता है। इसके ऊपर वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं पूरा डिटेल में। तो ये क्या है ना कि देखिए, मैं इसकी बुराइयां नहीं कर रहा हूँ या किसी कंपनी का मैं प्रचार ऐड नहीं कर रहा हूँ कि नहीं भैया आप नंबर एक पर हो, भैया आप नंबर जीरो पर हो। देखिए, मैं अपना जो मेरा प्रैक्टिकल है, मैं वही जो है कि आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बकरियों की सेहत के लिए। तो जैसे कि अल्बोमार का नाम लिया, नीलजान का नाम लिया और क्यूराजान फोर्ट का नाम लिया, और भी बहुत सारे हैं। तो क्या होता है कि जब भयंकर बकरी के पेट के अंदर भयंकर वार्म बन जाते हैं, उनके फेफड़े तक वार्म पहुंच जाते हैं, उनके पेट के अंदर जो है कि वार्म एकदम लच्छेदार गुच्छेदार बन जाते हैं, तो वो नहीं निकल पाते हैं। अब उसके लिए खास बकरियों के लिए एक डिवार्मर बनाया गया है, शुरू में मैंने नाम लिया था सेफ गार्ड, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सेफ गार्ड का पिक्चर। लेकिन ये थोड़ा सा एक समस्या इसमें है, समस्या ये है कि ये आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल पाता है, और ये बकरियों के लिए स्पेशली खास बकरियों के लिए बनाया गया है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का वार्म उनके अंदर है वो उनको मार देता है, ख़त्म कर देता है, उनको बाहर निकाल देता है। तो ये है सबसे बेस्ट। लेकिन अब सेफ गार्ड जैसे मैंने कहा हर जगह नहीं मिल रहा है, तो भैया अल्बोमार है बेस्ट, अब क्यूराजान पोर्ट है बेस्ट, नीलजान है बेस्ट, यानी जो सही समय पर मिल गया वो है हमारे लिए सबसे बेस्ट। लेकिन वार्म नहीं निकल रहा है तो हमें कंटिन्यू उसको रखना पड़ता है, 21 दिन पर रिपीट कर देना पड़ता है, निकल जाता है। लेकिन सेफ गार्ड है, आप हर 3-3 महीने पर दें और कोई दिक्कत नहीं, उसे रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। तो भैया बेस्ट है सेफ गार्ड, लेकिन न मिलने पर सारी दवाइयाँ बेस्ट है, काम सब करते हैं। तो दोस्तों, छोटा सा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और चैनल पर नया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।